बेटा क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 बहुत अच्छा है। जो थ्योरी हमने डेवलप की थी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन उसी पर आधारित है। ये आपके पास इंक्लाइंड है जो कि एक सर्किल में जाके समाप्त होता है, जो एक सर्कुलर मोशन कर सकता है। एच हाइट पे है और जो सर्किल है ए और बी वो उसका डायमीटर इन्होंने दिया है डी। ए और बी जिसका डायमीटर है डी, करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना मित्रों, ये आपको हाइट बतानी है कि कितनी हाइट रखें इस बॉडी की कि जस्ट ये फ्रिक्शन लेस है यहां आएगा, जस्ट इतनी इसकी हाइट रखें ये कंप्लीट ए से बी तक पहुंच जाए भले ही उसके बाद गिर पड़े। यहां से यहां पहुंचना है इसको और ये फ्रिक्शन लेस है। तो आपने कहा सर हमको मालूम है यहां से यहां पहुंचने के लिए जो इसको वेलोसिटी चाहिए जिसको हम यू कह सकते हैं, यही थ्योरी डेवलप की थी कि यू बराबर या यू स्क्वायर, एल आपका इतना था तो कितना हो जाएगा यहां डी वाई टू, ये आपका एल या रेडियस ऑफ सर्किल था तो यू स्क्वायर इक्वल टू 5gL। L कितना था बेटा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब हम ड्राइव कर रहे थे। यहां पे क्या हो जाएगा ये कितना है डी वाई टू के। तो आपको h बताना था कि साहब h कितनी हो इस मास की, कितनी हाइट से छोड़े कि यहां से ये कंप्लीट b पॉइंट पे पहुंच जाए, क्योंकि सर्कुलर है काम हो गया। आपने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, इस पॉइंट पे जब था तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी तो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, और ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी जब यहां पहुंचा एच बराबर जीरो हो गया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यानी हाफ एम बी स्क्वायर रह गई। काम बन गया आपका, एम से एम काट दिया। आपको मालूम था कि भाई साहब इसको एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 5gL थी, u स्क्वायर बराबर 5gL। तो यहां पे कितना है बेटा u स्क्वायर की वैल्यू 5/2g × d। काट दीजिए डी को तो h आपका मिल गया 5/4d। तो ये चीज सिखाने के लिए पूरा डेरिवेशन हमने आपको सिखाया था।